हेलो एवरीवन, आज हम देखने जा रहे हैं मल्टी प्रोसेसिंग। तो मल्टी प्रोसेसिंग हम कहाँ करेंगे? मल्टी प्रोसेसर में। तो मल्टी प्रोसेसर क्या है? अभी तक हमने जहाँ जितना भी पढ़ा है, हमने क्या बात की कि एक प्रोसेसर कैसे काम करता है, कैसे हमारे दिए गए इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। तो ये प्रोसेसर को हम जनरली जानते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से। तो हम क्या कहते हैं कि हमारे प्रोसेसर पे हम एक इनपुट प्रोवाइड करते हैं और वो क्या करता है, उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। तो ये हमारे पास में अगर एक सीपीयू है हमारा, जो जिसको हम प्रोसेसर बोलते हैं, उसे हम क्या देते हैं, इनपुट देते हैं। इनपुट क्या देते हैं हम? इनपुट देते हैं हम इंस्ट्रक्शन, है ना। उस इंस्ट्रक्शन को ये क्या करता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। तो ये एक प्रोसेसर का काम है। हमने यहाँ पर और मॉडिफिकेशंस देखे क्या, कि हमने रियलाइज किया कि हमारे पास में इंस्ट्रक्शन लेवल पे क्या कहे, अलग अलग फेजेस है, है ना। कि एक इंस्ट्रक्शन को हमने फेच किया, हमने उसे डिकोड किया, फिर कहीं हमने उसके लिए डेटा फेच किया। तो यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन के मल्टीपल फेज है और उन फेजेस की वजह से हमने उसमें क्या डाला, पाइपलाइन का कंसेप्ट डाला, कि हम इन फेसेस को अगर मल्टीपल अलग अलग इंस्ट्रक्शन के लिए यूज करें तो हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूशन में लेकर आ सकते हैं और जिसकी वजह से हमारा परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सकता है। दूसरा हमने बात किया SIMD, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। इंस्ट्रक्शन में पैरेललिज्म नहीं, बल्कि इंस्ट्रक्शन के फेजेस नहीं, बल्कि डेटा का पैरेललिज्म देखा, है ना। जहां हमने बात करी कि कैसे हम वेक्टर डेटा को फेच करेंगे साइमल्टेनियसली VMIPS आर्किटेक्चर में, ताकि क्या हो सके, हम डेटा का जो पैरेललिज्म है ना, उसको यूटिलाइज कर सके प्रोसेसर के परफॉर्मेंस को इंक्रीमेंट करने के लिए। बट जितनी भी टर्म्स हम बात करें, हमने यहाँ पर परफॉर्मेंस ऑफ प्रोसेसर की बात करें। अब ये जो प्रोसेसर है, इसकी परफॉर्मेंस एक लिमिट तक एग्जिस्ट कर सकती है या ग्रो कर सकती है, है ना, बेस्ड ऑन ऑल दिस क्राइटेरिया कि हमने उसकी पाइपलाइन कर दी, हमने उसे उसमें डेटा लेवल पैरेललिज्म करके। लेकिन अभी भी नाउ द रिक्वायरमेंट इज कि हमें हाई प्रोसेसिंग चाहिए, है ना। हमारे पास में ऐसी एप्लीकेशन है जहाँ पर हमारे डेटा जो है बहुत फास्ट प्रोसेस हो सके। जब हम बहुत फास्ट प्रोसेस करने की बात कर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर प्रोसेस की क्या है, प्रोसेसर की क्या है, एक लिमिट है। इस लिमिट को हमको और बढ़ाना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम मल्टीपल प्रोसेसर्स लगा सकते हैं, है ना। तो मल्टीपल प्रोसेसर्स कैसे, मतलब मल्टीपल टास्क के लिए मल्टीपल प्रोसेसर्स। जैसे हमने बात करी थी इनपुट आउटपुट प्रोसेसर्स की, जो कि क्या कर रहे थे, डेडिकेटेड थे किसके लिए, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए, है ना। वो अब सीपीयू का काम नहीं था, वो किसका काम था, आईओपी का काम था, जो कि हमारे इनपुट आउटपुट प्रोसेसर्स हुए। तो क्या हमको ऐसे हर फंक्शनैलिटी के लिए अलग अलग प्रोसेसर्स लें? लेकिन ये जो प्रोसेसर्स है, ये प्रोसेसर्स क्या कर सकते हैं, दिस प्रोसेसर्स कैन नॉट डू एनी कंप्यूटेशन। और जो हमारे सीपीयू हैं, ये सीपीयू क्या कर सकते हैं, कंप्यूटेशन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास में वो फंक्शनल यूनिट्स है जो कि क्या करती है, कंप्यूटेशन। कौन सी फंक्शनल यूनिट्स है इनके पास में, इनके पास में है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट्स, है ना, इनके पास में कंट्रोल यूनिट। तो ये सारी चीजें जो है वो किसके पास में है, सीपीयू के पास में। तो हमें क्या चाहिए थे, मल्टीपल सीपीयू चाहिए थे या मल्टीपल प्रोसेसर्स चाहिए थे। तो जहां हम बात करते हैं मल्टीपल प्रोसेसर्स की, है ना, वहां वो होता है मल्टी प्रोसेसर। तो मल्टी प्रोसेसर क्या है, बेसिकली मल्टी प्रोसेसर्स इज अ डिवाइस हैविंग मल्टीपल प्रोसेसर्स, सॉरी प्रोसेसर्स, है ना। और ये मल्टीपल प्रोसेसर्स हमें क्यों चाहिए, हमें चाहिए हमारा डेटा, हमारी ओवरऑल जो कंप्यूटेशन हो वो फास्ट हो, हमें हाई परफॉर्मेंस चाहिए। और जब हम सिंगल सिस्टम की बात करें तो हर सिस्टम की एक लिमिटेशन है ना। उसके बाद में अगर हमको और पैरेललिज्म दिख रहा है कि इंस्ट्रक्शन में पैरेललिज्म है या हमारे पूरे प्रोग्राम में पैरेललिज्म है,
तो हमें चाहिए कि हम उन पैरेलल टास्क को कर सके साइमल्टेनियसली, और उन साइमल्टेनियस टास्क को करने के लिए हमारे पास में क्या चाहिए, प्रोसेसर चाहिए। इन प्रोसेसर्स को अगर हम लोग लेकर आते हैं हमारे सिस्टम में, तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। तो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम क्या है कि हमारे पास में जहाँ मल्टीपल प्रोसेसर्स है विच आर रिस्पॉन्सिबल एंड केपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल टास्क। ठीक है, यहाँ पर एक और टर्म्स आती है जो कि है मल्टी प्रोसेसर वर्सेस मल्टी कंप्यूटर। मल्टी प्रोसेसर वर्सेस मल्टी कंप्यूटर क्या है? मल्टी प्रोसेसर मतलब हमारे पास में मल्टीपल प्रोसेसर अंडर सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंगल ओएस है जिसके ऊपर, है ना। तो एक प्रोसेसर की पूरी इंटरलिंकेज है, इस इंटरलिंकेज को जो ऊपर से देख रहा है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। वही मल्टीपल कंप्यूटर्स क्या है कि आपके मल्टीपल इंडिविजुअल डिवाइसेस है, है ना, इनके ऊपर हर किसी का अपना ओएस है और दे आर इंटरकनेक्टेड। तो टास्क इस तरीके से इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम से, है ना। तो मल्टीपल कंप्यूटर्स और मल्टीपल प्रोसेसर में ये डिफरेंस है। यहाँ पर भी हमारे पास में उतने प्रोसेसर हो सकते हैं, यहाँ पर सिंगल प्रोसेसर भी हो सकते हैं और मल्टीपल प्रोसेसर भी हो सकते हैं। मल्टी प्रोसेसर किस टर्मोलॉजी, तो फ्लिंस क्लासिफिकेशन में जब हमने बात की थी MIMD, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस मल्टीपल डेटा, है ना। तो यहाँ मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस मतलब साइमल्टेनियसली हम मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और अगर एक इंस्ट्रक्शन में भी अगर हमारे पास मल्टीपल डेटा है तो हम उसे भी एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, कहाँ पर, मल्टी प्रोसेसर में। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे लगता है क्लियर है वो आपको कि मल्टी प्रोसेसर क्या है, है ना, व्हाई इट इज इनटू पिक्चर, हमने इसको लाए क्यों, और ये किस पोर्शन ऑफ सिस्टम्स में आता है। नाउ क्या बेनिफिट्स है इसके, है ना। तो बेनिफिट जो सबसे पहला है बेनिफिट वो है रिलायबिलिटी। अगर हमारे पास में एक प्रोसेसर समहाउ ड्यू टू सम रीजन फेल हो जाता है ना, तो हमारे पास में क्या है, दूसरा प्रोसेसर है जिसपे हम क्या कर सकते हैं, टास्क को शेड्यूल कर सकते हैं, है ना। तो इस वजह से क्या होता है कि हम जो आउटपुट है वो इवेंचुअली दे पा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है रिलायबिलिटी सिस्टम की ओवरऑल ग्रो कर जाती है ना। यहाँ पर हम डिपेंडेंट या बोलना चाहिए सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं है, बल्कि हमारे पास में मल्टीपल ऑपरेशंस है, सॉरी मल्टीपल प्रोसेसर्स है। अगर एक प्रोसेसर हमारा काम नहीं करता है तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरे को दे सकते हैं। और ये जो आया ही था वो किस लिए, इम्प्रूव परफॉर्मेंस। तो डेफिनेटली अगर हमारे पास में इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म है, डेटा लेवल पैरेललिज्म है, तो हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन को साइमल्टेनियसली या मल्टीपल टास्क को साइमल्टेनियसली क्या कर सकते हैं, अलग अलग प्रोसेसर्स में डाल सकते हैं ताकि वो फास्टली एग्जीक्यूट हो। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या होगा, प्रोग्राम का इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि उसका प्रोसेसिंग फास्ट हो जाएगी। अभी जो मल्टी प्रोसेसर्स है दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ किस तरीके से ये मेमोरी को एक्सेस करें। अब हम जानते हैं जो मेमोरी है वो क्या है, इट हमारे सीपीयू भी उसको यूज कर रहा है। अगर उसको कम्युनिकेशन करना है किससे, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से सीपीयू को, तो भी वो वाया किसके करता है, मेमोरी के करता है। अब यहाँ पर आता है कि हमारे पास में मल्टीपल प्रोसेसर्स है, तो क्या हम मल्टीपल मेमोरीज रखेंगे या हम शेयर्ड मेमोरीज रखेंगे, या अगर मल्टीपल मेमोरीज रखेंगे तो अगर एक दो प्रोसेसर्स को आपस में कम्युनिकेट करना है तो वो किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे या फिर कम्युनिकेट करेंगे नहीं, ये सारी जो चीज़ें हैं हम वो डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम प्रोसेसर्स मल्टीप्रोसेस प्रोसेसर्स के लिए कॉमन या शेयर्ड मेमोरी रखेंगे या डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी रखेंगे। तो हम ये जो क्लासिफिकेशन देख रहे हैं ये है प्रोसेसर
क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो आप क्या कर रहे हो, आपके पास में मेमोरी है ना। तो मेमोरी किस तरीके से है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन का। तो प्रोसेसर या तो आपका सीरियल है या तो पैरेलल, है ना। सीरियल हम SISD की बात करते हैं, सिंगल, है ना। अब हम बात कर रहे हैं पैरेलल, है ना। पैरेलल प्रोसेसिंग में हमने देखा कि SIMD इज पॉसिबल, MISD, MIMD। यहाँ हम मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस, मल्टीपल डेटा की बात कर रहे हैं, जहाँ पर हमारे पास में मल्टीपल प्रोसेसर्स है टू एंटरटेन मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस साइमल्टेनियसली। अब ये सारे इंस्ट्रक्शन, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को साइमल्टेनियसली एंटरटेन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, इंस्ट्रक्शंस कहाँ से लेके आना है, मेमोरी से लेके आना है, और रिजल्ट कहाँ स्टोर करना है, मेमोरी में ही स्टोर करना है। तो किस तरीके का मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन है, तो दो तरीके की मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन है। पहला है टाइटली कपल्ड और दूसरा है लूजली कपल्ड। टाइटली कपल्ड में हम क्या कर रहे हैं, हम एक शेयर्ड मेमोरी रख रहे हैं, है ना। एक मेमोरी है जो कि सारे प्रोसेसर्स में कॉमनली शेयर्ड हो रही है ना। तो यहाँ पर जो आप कनेक्शन देख रहे हैं वो क्या हो रहा है, सिस्टम काफी टाइटली असेंबल्ड है ना। प्लस में यहाँ सिंक्रोनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा हुआ कि दो प्रोसेसर्स एक ही मेमोरी पर वर्क कर रहे हैं, तो हम क्या चाहते हैं, वो सिंक्रोनाइज हो, ताकि जो डेटा है वो क्या हो, सही मिल सके दोनों को। क्या होगा, अगर मान लीजिए मेरे पास में मेमोरी में ये X है ना, तो हमारा P1 प्रोसेसर और P2 प्रोसेसर दोनों ही इसको ऑपरेशन कर रहे हैं, है ना। अगर P1 और रदर आई शुड से T1 टास्क और T2 टास्क, है ना। तो दो टास्क है जो कि एक ही प्रोसेस के हैं, है ना, जो अलग अलग प्रोसेसर पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, है ना। तो एक प्रोसेस के दो टास्क T1 और T2 X पर वर्क कर रहे हैं, क्योंकि ये अलग अलग वर्क कर रहे हैं, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये X को ये मॉडिफाई करे, है ना। होना आइडियली ये चाहिए T1 T2, है ना, लेकिन हो जाए T2 T1। तो जो रिजल्ट मिलेगा, है ना, तो अगर T1 मान लीजिए इसको करता है 20, है ना, और T2 उस 20 को रीड करता है ना, तो तब तो करेक्ट है। लेकिन अगर मान लीजिए T2 जो कि X इनिशियली, है ना, X इनिशियली 0 है फॉर एग्जांपल, है ना, और T1 और T2, तो T1 इसको ओवरराइट कर रहा है और T2 उसको रीड कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर T2 और T1 हो जाता है, तो T2 क्या रीड कर लेगा, पहले 0 रीड कर लेगा, क्योंकि T1 ने तो उसको ओवरराइट किया ही नहीं। तो सिंक्रोनाइजेशन इज मस्ट वेयर इन टाइटली कपल्ड। प्लस में यूजुअली टाइटली कपल्ड वर्क बेटर, जहां पर कैसे हो कि मतलब यहाँ ये कब परफॉर्मेंस बेटर देगी, जबकि हमारे पास में ऐसे टास्क होंगे जो आपस में बहुत कम्युनिकेट कर रहे हैं, है ना। जब आपस में डेटा डिपेंडेंसी होगी दो टास्क में, तो हम चाहते हैं कि वो क्या करे, वो सिंक में रहे, है ना। इसीलिए वो सिंक में कब रहेंगे, जब वो क्या रहेंगे, एक ही मेमोरी पोर्शन पे वर्क करेंगे, तो उनको हम शेड्यूल मतलब सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। प्लस में क्या होगा टाइटली कपल्ड में, कि हमारे पास में मेमोरी को स्केलेबिलिटी का जो है वो एक लिमिटेशन आ जाएगा, है ना। तो मेमोरी स्केल इज अ लिमिटेशन फॉर टाइटली कपल्ड, है ना। बट यहाँ पर हम लोगों को बेनिफिट कब है, जब हमारे पास में हाई डेटा डिपेंडेंसी वाले प्रोसेस आती हैं, तो दिस विल परफॉर्म बेटर देन द लूजली कपल्ड। अगर हम लूजली कपल्ड की बात कर लेते हैं, तो लूजली कपल्ड में क्या है, हर प्रोसेसर की अपनी सेपरेट एक मेमोरी होगी, है ना। जब सेपरेट मेमोरी है और ऐसे अगर हमारे पास प्रोसेसर्स हैं, तो ये कब परफॉर्म बेटर करेंगे, जबकि हमारे पास में ऐसे इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं जो कि क्या हो, काफी एक दूसरे पे डेटा डिपेंडेंट ना हो, है ना। तो ऐसे टास्क जो कि एक दूसरे से कम डिपेंडेंट है, और वो अगर हमारे पास में आते हैं, तो लूजली कपल्ड परफॉर्म बेटर। क्यों, क्योंकि क्या है, वहां पर हर टास्क अपना अपना इंडिविजुअल काम कर रहा है ना। तो ये यहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन वाला जो कंसेप्ट है वो नहीं आता, ठीक है। जो डिस्ट्रीब्यूटेड वाले आपके प्रोसेसर्स है, वो क्या है, इट वर्क्स लाइक अ क्लस्टर,
इसको एक टास्क दिया, वो अपने क्लस्टर में कंप्लीट करेगा। मान लीजिए उसे कुछ कम्युनिकेट करना है, तो वो मैसेज पासिंग के थ्रू या दूसरे मेथड से जो कि इम्प्लीमेंटेड है, वो क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम क्या ध्यान रखेंगे कि हम लूजली कपल्ड में परफॉर्म कब बेटर करेंगे, जब हमारे पास में क्या होगा, डेटा हमारे पास में, सॉरी प्रोसेसेस हमारे पास में ऐसी होगी जो कम डिपेंडेंट है। शेयर्ड मेमोरी में हमारे पास में दो है, पहले एक तो सिमेट्रिक या यूनिफॉर्म है ना, और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब कि जहां पर जो डेटा सॉरी जो मेमोरी है वो यूनिफॉर्मली एक्सेसिबल है सभी प्रोसेसर से, और न्यूमा या नॉन यूनिफॉर्म मतलब ऐसे प्रोसेसर जिसमें हमारी जो मेमोरी है वो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेसिबल है बेस्ड ऑन द इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। नाउ कि हम लोगों ने यहाँ ये देख लिया कि किस तरीके से हमारी मेमोरी प्लेस है, अब ये मेमोरी कनेक्ट कैसे होती है ना, तो ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्शंस वी हैव फर्दर क्लासिफाइड कि हमारे पास में लूजली जो क्योंकि शेयर्ड मेमोरी जो है, सबसे पहले हम बात कर लेते शेयर्ड मेमोरी या टाइटली कपल्ड। तो शेयर्ड मेमोरी में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास में एक कॉमन मेमोरी है, और इस मेमोरी को हम एक बस के थ्रू जो कि कॉमन बस है क्या कर रहे हैं, मल्टीपल प्रोसेसर से कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये आपका सीपीयू 1, सीपीयू 2 है ना, सो ऑन, आयो P1, इस तरीके से। तो आपकी जो मेमोरी है वो क्या हो रही है, शेयर हो रही है किसमें, मल्टीपल सीपीयूस में और सॉरी आयो प्रोसेसर्स में, सो दैट कि वो अपना ऑपरेशंस परफॉर्म कर सके। यहाँ पर थोड़ा एडवांसमेंट अगर जाएं तो क्या होगा कि हर इंडिविजुअल सीपीयू की भी खुद की मेमोरी और कुछ कनेक्शंस, अदर कनेक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। तो आप इम्प्लीमेंटेशन के बेसिस पे इसको मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन दे हैव अ कॉमन शेयर्ड मेमोरी, ठीक है। ये एक आपका इंटरकनेक्शन हो गया है ना। इस तरीके से हमारे पास में शेयर्ड मेमोरी में किस क्या होंगे, आपस में मल्टीपल कंपोनेंट्स क्या होंगे, कम्युनिकेट या एड हो सकेंगे। अब हम बात करेंगे टाइटली कपल्ड में, सॉरी लूजली कपल्ड में किस तरीके के हम कनेक्शंस कर सकते हैं और क्या क्या उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो आप बोर्ड पे देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने डिफरेंट मेमोरी के इंटरकनेक्शंस किए हैं बेस्ड ऑन के हम किस तरीके से डिफरेंट कंपोनेंट्स को कनेक्ट करेंगे फॉर मल्टीपल प्रोसेसर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टीपोर्ट मेमोरी की। तो मल्टीपोर्ट मेमोरी में आप देख पा रहे हैं कि एक मेमोरी, हर मेमोरी के पास में क्या है, अलग अलग पोर्ट्स है, और हर पोर्ट क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है डिफरेंट सीपीयू से, है ना। तो अगर ये पोर्ट P1 है, P2, P3 ऑफ मेमोरी 1, तो सीपीयू 1 पोर्ट 1 पे कनेक्टेड है M1 के, M2 के और M3 के, है ना। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल पोर्ट्स मतलब डिफरेंट वायर से डिफरेंट सीपीयू को कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप विजुअलाइज कर पा रहे होंगे कि अभी तक हमारे पास में क्या थी, सिंगल एक बस थी जिससे हमने सभी को कनेक्ट कर रखा है, लेकिन अब हमारे पास में मल्टीपल ऐसे कनेक्शंस आ चुके हैं। तो ये कनेक्शन से क्या होगा, हमारा जो डेटा ट्रांसफर है वो इम्प्रूव हो जाएगा, है ना। लेकिन डेटा ट्रांसफर इम्प्रूव होगा, साथ ही साथ क्या होंगे, हमारे नंबर ऑफ वायर्स जो है ना, नंबर ऑफ ट्रांसफर पाथ्स जो है वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो ये एक डिसएडवांटेज है मल्टीपोर्ट मेमोरी का, जहां पर हम लोगों को क्या करना पड़ रहा है, मल्टीपल कनेक्शंस क्रिएट करना पड़ रहे हैं। एक और चीज जो है मल्टीपोर्ट मेमोरी में वो क्या है कि हम लोग देख पा रहे हैं कि सीपीयू 1 M1 से कनेक्टेड है, सीपीयू 2 भी M1 से कनेक्टेड है। तो इस केस में हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि किस प्रोसेसर का डेटा पहले ट्रांसफर करना है ना। उस केस के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, उस केस के लिए हमें चाहिए प्रायोरिटी एनालाइजर, है ना। हमें किसी न किसी को तो प्रायोरिटी देना पड़ेगी, तो ये प्रायोरिटी देने के लिए हम लोगों को यहाँ पर क्या चाहिए, कंट्रोल लॉजिक चाहिए। तो कंट्रोल लॉजिक जो है वो कहाँ एक्सेस होगा, कहाँ पर अवेलेबल होगा,
कंट्रोल लॉजिक होगा हर मेमोरी के पास, मतलब हर मेमोरी हर मेमोरी मॉड्यूल के पास में क्या होना चाहिए, एक कंट्रोल लॉजिक होना चाहिए। और कंट्रोल लॉजिक भी क्या है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, क्योंकि उसे क्या देखना है कि कितने नंबर ऑफ सीपीयूस है और किसको हमको प्रायोरिटी ज़्यादा देना है, किस प्रायोरिटी भी किस बेसिस पे देना है, क्या बेस ऑफ द प्रोसेस टू बी एग्जीक्यूटेड, टाइम के बेसिस पे, जिस भी बेसिस पे, तो वो जो है आपका कंट्रोल लॉजिक डिसाइड करेगा। ठीक है, तो ये एक्सपेंसिव है इन टर्म्स ऑफ, हम जहाँ शेयर्ड मेमोरी की बात कर रहे थे, जहाँ पर एक कॉमन बस थी, जहाँ पर हर इंडिविजुअल सिस्टम अपने मेमोरी को एक्सेस कर पा रहा था उसी बस के थ्रू। तो नेक्स्ट आता है हमारा क्रॉस बार स्विच। अच्छा, हम यहाँ जितने भी टर्म्स देख रहे हैं या जितने भी कंपोनेंट्स देख रहे हैं, नंबर ऑफ कंपोनेंट हर किसी में बढ़ेंगे, नंबर ऑफ कंट्रोल लॉजिक्स की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, वो कॉम्प्लेक्स होते जाएगा। लेकिन हम ये सभी चीज़ क्यों कर रहे हैं, टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, कैसे भी करके हम जो मेमोरी को है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर पाए प्रोसेसर्स, ताकि जो वो जो एफिशिएंसी रखते हैं, है ना, टू प्रोसेस मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली, वो कहीं ना कहीं डेटा के वजह से जो कि हम मेमोरी से फेच कर रहे हैं, अगर वो स्लो आ रहा है, उसमें टाइम लग रहा है, तो वो परफॉर्मेंस जो है वो डिग्रेड ना हो। ठीक है, इसीलिए जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ सभी जगह जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है, नंबर ऑफ कॉस्ट है, वो क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, बट एट द सेम टाइम वी विल इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। तो नेक्स्ट क्या है आपका, क्रॉस बार स्विच। क्रॉस बार स्विच में क्या कर रहे हैं हम लोग, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो लगे हैं वो क्या है, स्विचेस, और यहाँ स्विचेस में जैसे रोज में आपके सीपीयू है, कॉलम्स में आपकी मेमोरी है, तो हर मेमोरी और सीपीयू के बीच में क्या है, एक कनेक्शन है, और ये कनेक्शन का जो ये स्विच है, इसको हम क्या देंगे, यहाँ हम देंगे कंट्रोल लॉजिक। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, क्योंकि सभी मेमोरीज जो हैं वो इंडिपेंडेंट है ना, तो डेटा सीपीयू वन में M1 के साथ में और सीपीयू 2 में M2 के साथ में अगर आना चाहता है, तो ये जितने भी पार्ट्स है वो क्या है, पैरेलल है और प्लस में इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट पार्ट होने के वजह से क्या हो रहा है, साइमल्टेनियस क्या कर सकते हैं हम, डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये स्विचेस क्या करेंगे, अगेन यहाँ पर भी क्या है, आपको प्रायोरिटी है कि सीपीयू वन सीपीयू वन M1 से कनेक्ट करता है, सीपीयू 2 भी M1 से कनेक्ट करता है, तो वहां पर आपको क्या देखना पड़ेगा, प्रायोरिटी डिसाइड करना पड़ेगा, है ना, और उसी के बेसिस पे ये क्या स्विचेस क्या होंगे, लॉक और अनलॉक होंगे। तो प्रायोरिटी का कंसेप्ट यहाँ भी लगेगा। नेक्स्ट आता है हमारा मल्टी स्टेज स्विचिंग। मल्टी स्टेज स्विचिंग में क्या कर रहे हैं हम लोग, स्विचेस का यूज कर रहे हैं। तो ये स्विचेस किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, तो स्विचेस बेसिकली इसके दो आउटपुट है और दो इनपुट है। आउटपुट आपका A 0 पे भी दे सकता है और A 1 पे भी स्विच कर सकता है, तो ये एक स्विच की तरह वर्क करेगा। तो यहाँ पर हमारे जो प्रोसेसर्स है वो कनेक्ट कैसे होंगे, हमारे प्रोसेसर्स कुछ इस तरीके से कनेक्ट होंगे, ये आपका प्रोसेसर P1 है और ये P2 है, और यहाँ पर आपके ऐसे मल्टीपल स्विचेस कनेक्ट है। ठीक है, तो क्या होगा बेसिकली, अगर आपको फॉर एग्जांपल ये 0 0 0 आपको दे रहा है ना, तो ये क्या दे रहा है आपको 0 0 0 आउटपुट दे रहा है ना, और ये क्या दे रहा है आपको 0 है ना, ये आपको आउटपुट दे रहा है 1 1 1। ठीक है, तो ये आपका 1 कनेक्टेड है। आप मान लीजिए आप चाहे तो कि 0 के बाद में, मतलब यहां से जो भी आउटपुट जा रहा है वो 1 के बाद में यहाँ से कहाँ चले जाए, 1 में चले जाए, और यहाँ से 1 के बाद में फर्दर ये 1 यहाँ आ रहा है, तो नेक्स्ट 0। तो आपको देख पा रहे होंगे कि अलग अलग बिट फॉर्मेशन हो रहा है आपका, है ना, यहाँ पर हम लोग केवल दो ही वैल्यूज लेते हैं, तो ये वैल्यू क्या आ गई आपकी 0 0 हो गई, और ये कितनी हो गई 1 और 1 हो गई। ठीक है, फर्दर आपको 0 के बाद में 1 में जाना है, तो यहाँ से स्विचिंग यहाँ पे भी हो सकती है। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पर हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे किस पे, डिफरेंट मेमोरी मॉड्यूल्स या डिफरेंट अलग आपके कंपोनेंट्स में। तो ये बेनिफिट क्या है इसका,
तो हम स्विचिंग में क्या कर सकते हैं, प्रायोरिटी स्पेसिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बिट ऑर्डरिंग, है ना। देन नेक्स्ट है क्या, हाइपर क्यूब। हाइपर क्यूब में हम लोग हर नोड पे एक मेमोरी मॉड्यूल या एक प्रोसेसर या कोई दूसरा कंपोनेंट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ये एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करेंगे, तो जो आसपास में कनेक्टेड है वो केवल एक बिट डिफरेंस पे होंगे, तो 0001 10 और 11, ठीक है। तो हर दोनों का आपस का जो होगा वो बिट डिफरेंस जो रहेगा साइमल्टेनियसली, सॉरी दो लोगों का 0 और 1 एक ही चेंज होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हाइपर क्यूब में हमारे पास में मल्टीपल जो कंपोनेंट्स है वो किस में, क्यूब फॉर्मेट में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 8 बिट्स होगी तो हमारे 8 कॉम्बिनेशंस फ्रेम होंगे। तो यहाँ हमने देखा कि मेमोरी से हमारे प्रोसेसर्स किस तरीके से इंटरलिंक करते हैं। अब दो प्रोसेसर्स हैं तो देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि वो आपस में क्या करें, कम्युनिकेट करें। तो ये कम्युनिकेशन कैसे पॉसिबल है, या कम्युनिकेशन करना क्यों जरूरी है, या किस तरीके से सिंक करेंगे वो हम देखते हैं। तो नेक्स्ट हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। एंड सिंक्रोनाइजेशन। तो हम लोग ने जब टर्म स्टार्ट किया था मल्टीपल प्रोसेसर, है ना, तो मल्टी प्रोसेसर, तो मल्टी प्रोसेसर में हमने क्या चीज देखी थी कि हम लोग क्या कर रहे थे, इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म और डेटा लेवल पैरेललिज्म को यूज कर रहे थे, ठीक है। तो हमारे पास में क्या है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमारे पास में डिफरेंट मल्टीपल टास्क हो जो कि पैरेलली एग्जीक्यूट हो सकते हैं, या तो एक ही प्रोसेस के हमने मल्टीपल टास्क बना लिए। तो यूजुअली कंपाइलर आइडेंटिफाई कि एक प्रोसेस, एक प्रोग्राम में क्या किस लेवल का पैरेललिज्म है और कैसे मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को हम साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हम एग्जीक्यूट तो करेंगे लेकिन देयर इज अ चांस कि देयर विल बी सम काइंड ऑफ डिपेंडेंसी। अब अगर मान लीजिए दो टास्क के बीच में आपस में डिपेंडेंसी है ना, या दो टास्क एक ही कॉमन डेटा पे परफॉर्म हो रहे हैं, इन दैट केस देयर इज नीड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द टू प्रोसेसर्स, और देयर शुड बी सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द टू प्रोसेसर्स, तो दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में हम कम्युनिकेशन क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन इज शेयरिंग ऑफ डेटा। तो दो प्रोसेसर्स के बीच में क्या कर रहे हैं, हम डेटा को शेयर कर रहे हैं, दैट इज कम्युनिकेशन। अब हमारे पास जब शेयर्ड मेमोरी थी तो हमारे पास में पॉसिबल क्या है कि हमारे पास में एक शेयर्ड मेमोरी है ना। इस शेयर्ड मेमोरी को क्या हम बोल सकते हैं, इट इज अ काइंड ऑफ मेल बॉक्स, है ना। तो P1 को अगर प्रोसेसर P1 को अगर कोई चीज P2 को बताना है तो वो क्या करेगा, P1 यहां पर वो इन्फो को डाल देगा, है ना। P2 एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के बाद में आकर चेक करेगा, P2 नहीं, ये सभी प्रोसेस P3 प्रोसेसर्स चेक करेंगे, है ना। एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के बाद में आकर क्या चेकिंग करेंगे, मेल बॉक्स को, इसमें कुछ है क्या, अगर इसमें कुछ उनके रिलेटेड है तो वो क्या कर लेंगे, उसे ले लेंगे। तो दिस इज द वन वे टू कम्युनिकेट, क्या करेंगे हम लोग, एक शेयर्ड मेमोरी रखेंगे जिससे हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, क्योंकि ये तो क्या पॉसिबल है जहां हमारे पास में प्रोसेसर्स क्या कर रहे हैं, मेमोरी को शेयर कर रहे हैं, लेकिन ऐसे प्रोसेसर जो कि लूजली कपल्ड है उस केस में हम क्या करेंगे, तो देर इज अगेन वन मोर हार्डवेयर सॉल्यूशन, दैट इज रेदर वी शुड से हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी पॉसिबल है, That is interrupt. तो क्या करेंगे, प्रोसेसर्स एक दूसरे को इंटरप्ट कर सकते हैं, ना कि आई हैव समथिंग फॉर यू, है ना। तो दिस इज वॉट इंटरप्ट, है ना, क्योंकि ये जो चीज है ये क्या है, एक टाइम पीरियड बाद, हम ऐसे नहीं कर सकते ना कि कंटिन्यूसली एक प्रोसेसर का काम ही दे दिया जाए कि वो मेल बॉक्स को चेक करते रहे, है ना। तो ये वाला जो है इसमें आपके पास में क्या है, आपको वेट करना पड़ सकता है, लेकिन इंटरप्ट में तो क्या है, कोई आपके पास में आया, आई हैव समथिंग फॉर यू, इन रिटर्न यू विल गिव
जो भी आपको उसको रिस्पॉन्स देना है वो रिस्पॉन्स आप दे सकते हो। तो इंटरप्ट जो है वहां पर आपको इंस्टेंटेनियस रिजल्ट मिल जाएंगे, लेकिन वहीं अगर आप बात करो शेयर्ड मेमोरी में तो ये टाइमली प्रोसेस है जिसमें आपको टाइम लगेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म क्या है आपकी सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन इज कंट्रोल इंफॉर्मेशन को अगर हम यूज कर रहे हैं तो कंट्रोल इंफॉर्मेशन को, कंट्रोल इंफॉर्मेशन मतलब क्या, अगर हमारे पास में दो प्रोसेसर्स ऐसे हैं जो कि सेम ही डेटा पे वर्क कर रहे हैं तो देर इज अ पॉसिबिलिटी क्या हो कि वो एक दूसरे के जो प्रोसेस है उसको सिंक ना कर सके करें, है ना। बट हम चाहते हैं क्या कि अगर हम टास्क T1 के बाद में ही T2 X को चेंज करें, है ना। तो अगर मान लो ये मेरा X है और मैं चाहती हूँ पहले T1 इसको अपडेट करे और T2 इसको रीड करे, लेकिन अगर ये करना है इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों टास्क को सिंक करना पड़ेगा। इसको सिंक करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल इंफॉर्मेशन को आपस में कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो दिस इज पॉसिबल थ्रू म्यूचुअल एक्सक्लूजन, है ना। म्यूचुअल एक्सक्लूजन मतलब क्या, है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, है ना। अगर कोई चीज को एक पर्टिकुलर प्रोसेसर काम कर रहा है तो दूसरा उसे क्या करेगा, दूसरा उस पर जब तक उसका आउटपुट नहीं आएगा तब तक वो उसके लिए वेट करेगा। एंड द अदर टर्म इज क्रिटिकल सेक्शन। अगर दो प्रोसेसर के बीच में कोई कॉमन सेक्शन होगा, है ना, जिसपे उन्हें वर्क करना है, तो ये क्रिटिकल सेक्शन में क्या होगा, केवल एट ए टाइम केवल एक ही पर्सन जा सकता है। मतलब T1 और T2 दोनों को अगर इस पे टास्क X को वर्क करना है तो अगर T1 इसमें एंटर है तो T2 इसे रीड नहीं करेगा। ठीक है, ये सारी चीजें हम कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम यूजिंग सेमाफोर्स। ठीक है, सेमाफोर्स यू विल सी इन डिटेल्स कैसे पॉसिबल है, ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है तो हम यहाँ ऐसे नहीं डिटेल में लेंगे, लेकिन ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए कि जब दो प्रोसेसर साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं तो उनमें क्या क्या चैलेंजेस आएंगे। पहला तो उसमें इंटरकनेक्शन कैसे होगा मेमोरी से, और दूसरा वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करेंगे टू कम्प्लीट देयर टास्क। ठीक है, यहाँ पर अगर इंडिविजुअल सिस्टम, अगर कोई प्रोसेसर P1 है और प्रोसेसर P2 है, इनकी एक शेयर्ड मेमोरी है, लेकिन इन लोगों को कुछ डेटा जो साइमल्टेनियसली कंटिन्यूसली चाहिए इन्होंने अपनी कैशे में रख लिया, तो ये इनकी कैशे 1 और ये उनकी इसकी हो गई इसकी कैश है। ठीक है, दोनों की कैश है। अब एक्स की एक कॉपी यहाँ पर रखी है और एक्स की कॉपी एक यहाँ पर रखी है ना, और क्योंकि इनको सिंक्रोनाइजेशन में काम करना है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को ये चेक करना पड़ेगा कि जो भी इसकी अपडेटेड वैल्यू है वही इन दोनों के पास में अवेलेबल हो। ठीक है, तो इस चीज को क्या हम बोलते हैं, कैशे कोहरेंस। तो इन सारी चीजों का क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें मल्टी प्रोसेसर में, तो मल्टी प्रोसेसर क्या है, मल्टी प्रोसेसर मल्टीपल प्रोसेसर है, क्यों यूज कर रहे हैं हम, डेटा और इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म को एफिशिएंटली यूज करने के लिए कर रहे हैं सो दैट कि हम हमारे सिस्टम का परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सकें।